हेलो शूटर, मैं एक फिर से नई वीडियो के साथ, जैसे कि कई शूटर्स की रिक्वायरमेंट थी और कई शूटर्स मुझसे मेल करके और कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ वॉल्थर का जो साइटिंग है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए। एज वेल एज कई शूटर्स ने मुझसे ये भी कहा था कि सर सेंट्रा की साइट जो स्पाइलोंग आती है उसके वीडियो और ड्यूप्लेक्स के वीडियो अपलोड करिए। तो आज मैं आपके पास ड्यूप्लेक्स एज वेल एज सेंट्रा की साइट मैंने इंपोर्ट की है, जो कि मैंने इन्फिनाइट स्पोर्ट्स के थ्रू इंपोर्ट की है और मेरे पास अब ये इंपोर्ट आ चुका है। तो आज मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग और थोड़े से डिस्क्रिप्शंस बताऊंगा। आप देखिए, तो जैसे कि ये आपकी स्पाइलोंग साइट है, आप देख सकते हैं ये आपका सेंट्रा का लोगो है। इसका वेट नॉर्मल साइट से काफ़ी ज़्यादा है और मेड बाय सेंट्रा इन जर्मनी। स्पाइलोंग है इसकी, आप लॉन्ग जो कई शूटर्स पूछते हैं कि सर लॉन्ग और शॉर्ट्स में क्या अंतर है। जो लॉन्ग आपकी साइड होती है उसकी नॉक थोड़ी सी लंबी होती है और शॉर्ट्स की थोड़ी छोटी होती है और शॉर्ट साइड भी थोड़ी सी छोटी है होती है। यहाँ से भी ये आपके फोर स्क्रूज में आती है, आप देख लीजिए यहाँ से आपके स्क्रू माउंट होते हैं। जैसे कि इसके स्क्रूज आप देख रहे हैं, ये स्क्रूज फोर स्क्रूज होते हैं। इनको आप जैसे लूज करते हैं तो आप यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कई शूटर्स होते हैं जिनको हाइट इंक्रीजर्स लगाना होता है तो आप उसके लिए ये एक्सटर्नल हाइट इंक्रीजर आता है और आप इसको माउंट करके हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। वॉल्थर में ये लगा सकते हैं आप, स्टेज में भी आप लगा सकते हैं और फेनकबाउ में भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसके थ्रू लगा सकते हैं और आप इसको इजीली, बहुत इजीली माउंट कर सकते हैं। जैसे कि स्पाइलोंग, मैं अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। ये जो साइट होती है, बेसिकली 99% जितने भी आजकल इंटरनेशनल शूटर्स हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में, वर्ल्ड कप्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, वो ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पॉइंट्स पर वर्क करना होता है। नॉर्मल साइट जो आपकी आती है वॉल्थर की या किसी भी गन की, वॉल्थर हो गया, स्टेयर हो गया, एज वेल एज फेनकबाउ और आपका जितनी भी आपकी गन्स आती हैं उनमें क्या होता है कि आप एक क्लिक, जैसे आपको एक रिंग बढ़ाना होता है तो उसमें आपको तीन क्लिक्स देने पड़ते हैं एक रिंग के लिए। ये आपकी जो होती है ये माइक्रो पे वर्क करती है, माइक्रो रिंग्स पे वर्क करती है। अगर आपको 10.0 से 10.9 पे पहुंचाना है स्कोर अपना, आपको इसमें 10 क्लिक देने पड़ेंगे। एक पॉइंट बढ़ाने के लिए आपको 10 क्लिक्स देने होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रो क्लिकिंग्स। माइक्रो क्लिकिंग्स वही होती हैं। अगर आपके शॉट्स राइट पे जा रहे हैं, सारे शॉट्स आपके राइट पे जा रहे हैं तो आपको राइट की तरफ देना होता है क्लिक। ये आपको सपोर्टर होता है, इसमें आपको राइट की तरफ क्लिक देने होते हैं। 10 क्लिक आप जब देंगे तब ये आपका एक रिंग इंक्रीज होगा। और अगर आपके शॉट्स लेफ्ट पे जा रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जब क्लिक देंगे तब आपके 10 क्लिक देंगे तब आपका एक रिंग इंक्रीज होगा। आपका जैसे अगर आप राइट पे देंगे तो आपके शॉट्स जो हैं वो लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे देंगे तो आपके शॉट्स राइट पे जाएंगे, लेकिन 10 क्लिक्स आपको देने होंगे। इसीलिए इसको स्पाइलोंग माइक्रो क्लिकिंग साइट कहा जाता है। हाइट पे भी सेम आपका वर्क करता है। अगर आपके शॉट्स हाइट पे जा रहे हैं तो आपको 10 क्लिक्स देने होंगे नीचे करने के लिए, अगर नीचे जा रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज देने होंगे। दोनों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके क्लिक्स वर्क करते हैं। ये आपका सेंट्रा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। और अब हम आते हैं ड्यूप्लेक्स पे। सो गाइज, ये है आपका ड्यूप्लेक्स वेरियो। ये आपका जो है ये 3.4 mm टू
4.4 mm का होता है ये विजिबल डायमीटर इसका। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये सेंट्रा का है, सेंट्रा एंड मैक ये दोनों का कोलैबोरेशन में बना हुआ है। मैक की राइफल भी आती है, बेसिकली मैक अपनी एसेसरीज प्रोवाइड करता है, मैक अपनी जितनी भी आपकी राइफल्स होती हैं उनको मॉडिफाई करता है, मैक का बट प्लेट आता है, मैक की बॉडी आती है, और जैसे कि ये मैक ने सेंट्रा के साथ मिल करके एक ये बनाया है, इसको कहा जाता है ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है आप अच्छे शूटर्स के लिए। ये आपका इस साइड में जो आपका ये स्पाइलोंग है इसमें ये माउंट हो जाता है, और इसके अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको एक रिंग एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें कि शूटर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलता है अच्छा शॉट फायर करने के लिए। मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह होता है। जैसे कि ये आपकी स्पाइलोंग साइट है, कई शूटर्स स्मॉल लेते हैं, लॉन्ग स्मॉल साइट लेते हैं, कई शूटर लॉन्ग लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे जो एथलीट है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, कई शूटर्स स्मॉल साइट स्मॉल भी लेते हैं और कई शूटर लॉन्ग भी लेते हैं। जो स्मॉल लेते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपकी स्पाई लॉन्ग है तो उसमें आपको ये माउंट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि कई शूटर पूछ रहे थे कि सर ये माउंट कैसे किया जाता है, इसमें सेम एंगल नहीं बन पाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बहुत ईजिली आपको इसको पहले स्क्रू से इसको हल्का सा लूज़ करना है, इसमें ताकत नहीं लगानी है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो प्लीज़ अपने एक्सपर्ट से ही ये दिखाइएगा। बहुत ईजिली आपको एक फिंगर लगा करके इसको ईजिली माउंट करना है, जितना ही अंदर जाए, और आपको फिंगर रख करके इसको हल्का सा बहुत जेंटली इसको स्क्रू को टाइट, इस तरह आप इसको टाइट कर सकते हैं, और आपको बहुत जेंटली इसको टाइट करना है, ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप इसमें ताकत लगाएंगे तो आपकी स्पाइलोंग में ना डेंट पड़ने के चांसेस रहेंगे। ये अभी आपकी टाइट हो गई है, अब आप देखिए ये बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है। तो शूटर्स अब हम इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। जैसे कि आपको ये मैं बताता हूँ कि ये आपकी क्लिक्स होती हैं राइट लेफ्ट के लिए, ये आपकी क्लिक्स होती हैं हाइट के लिए, क्लॉकवाइज आपके लिए होता, क्लॉकवाइज आप अगर क्लिक देते हैं तो आपके हाइट शॉट्स जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में आपके नीचे शॉट्स जाते हैं। स्पाइलोंग के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आप आते हैं ड्यूप्लेक्स में। ड्यूप्लेक्स में आपका जैसे कि मैंने बताया था तीन रिंग्स होते हैं, एक आपका फ्रंट रिंग होता है, एक आपका स्पाइलोंग के अंदर रिंग होता है, इन दोनों रिंग के साथ ही आपका एक अलाइनमेंट क्रिएट होता है। अगर आपके शॉट्स ड्यूप्लेक्स की सेटिंग्स कैसे होती हैं, अगर आपके शॉट्स जो हैं अगर आपको उसको हाइट पे इंक्रीज करना है तो आपको यहाँ से क्लिक देना होगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज देते हैं तो आपके हाइट पे जाएंगे शॉट्स, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज देते हैं तो ये आपके शॉट्स जो हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। शॉट्स कैसे नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपके इसके अंदर का जो रिंग होता है ये आपका हाइट इंक्रीज और डिक्रीज इसी के थ्रू होता है। आप देखिए, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है। सेम ये जो आपके राइट पे है इसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका ये राइट पे जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं तो ये आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि इसमें इसको किस तरह एडजस्ट करना है। सेम मैं आपको फिर से अब ये अनमाउंट करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत जेंटली आपको करना है। सो गाइज अगर आपको ये साइट परचेज करनी है या ड्यूप्लेक्स परचेज करना है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक एज वेल एज आपको मैं फोन नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। इन्फिनाइट सॉल्यूशन से भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी वेबसाइट है जिससे कि आप इम्पोर्ट कर सकते हैं बाहर से, जर्मनी से। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा शूटिंग चैम्प्स को, और अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। जैसे कि कई शूटर्स की डिमांड थी मोहनी के ट्रिगर के बारे में, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो आप डालूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।